हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा माही लोकायुक्त के बड़ी कार्रवाई समय आई, जहां पारुल एजेंसी सिगरौली माही पदस्थ आउटसोर्स के कर्मचारी डॉक्टर अनुपमा रोशन प्रभारी जिला आयुष अधिकारी का ही 10,000 रुपया के रिश्वत लेते गिरफ्तार की गहबे। अपना का बताया दी के पारुल एजेंसी माही भगवान दास साकेत और उनके लड़का का आउटसोर्स में नौकरी देवाबे के एवज माही कमीशन मांगे रही हमा। वहां लोकायुक्त कार्रवाई कह के 10,000 रुपया लेते उनका रंगे हाथ गिरफ्तार कर ली बे। बुलेटिन की अगली खबर रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां एक दरकीपुर के छुया घाटी में ही सड़क हादसा भा। अपना को बताया दी कि मुनि व्यास कंपनी के यात्री बस पलट गए, जोने में ही दर्जन यात्री घायल हो गए। वहां आधा दर्जन लोगन के हालत गंभीर बताई जाती है, जिनका संजय गांधी अस्पताल में भिजवावा गया है। बतावा जाता है कि अचानक समूह से आवे वाले गाड़ी का देख के बस के चालक नियंत्रण खो दिन, जिसके कारण बस पलट गए। वहीं घटना के सूचना लगता है पुलिस पहुंची है और घायलन का ही उपचार खातिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ पहुंचाई है। वहीं गंभीर घायलन का ही संजय गांधी अस्पताल पहुंचावा गया है। बस में ही सफर करे वाले लोगन की यात्रा का आसान बनवाए खातिर प्रशासन सूत्र सेवा बस के शुरुआत जिला में ही करे रही है। वहीं कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाए के बस का रवाना करे रहे, पर समस्या यही है कि सूत्र सेवा बस के शुरुआत से निजी बस के संचालक विरोध कर रहे हमा। मुश्किलें से कौन ऐसा महीना होत हुई जबकि सूत्र सेवा बस में ही तोड़ फोड़ या फिर उनके यात्रियों के संगे या ड्राइवर के संगे मारपीट न कीन गए हुए। एक दरकीपुन की हमें घटना आई, जहां गनीमत यह रही कि बस में ही केवल सवार नहीं रहा, नहीं तो कोनो बड़ी घटना घट सकत रही है। बतावा जात है कि रीवा से जबलपुर जाए वाली सूत्र सेवा बस जब पुरान बस स्टैंड से यात्रियों का उतारे के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में ही बस अड्डा में जात रही, तब पड़रा के लगे कुछ बदमाश बस के ऊपर ताबड़तोड़ पथरा चलाए दिन। उत्तराखंड में ही तीर्थ यात्रा में कई एक ठेर तीर्थ यात्री गे रहे, जहां बस के पलटाई के कारण हादसा के शिकार हो गए। हम बतावा जाता है कि बस में कुल 28 जने बैठ रहे, जोने में से अधिकतर पन्ना जिला के अमानगंज तहसील से रहे। वहीं मामला में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मृतक के परिजनन का ही 5-5 लाख रुपया के सहायता के दे के बात कही नहीं बे। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।